सारे उपाय को हमें करना किस समय है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना? तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस पांच करर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार के अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7000 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7000 बजे के बीच में आप लोग इस पांच कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:10 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना? तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें पांच कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप पांच कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता देते हैं। कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही पांच कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं,
बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है, कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो, है ना। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें, भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, भाई वो बस एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें, तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी, वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी, वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है, नहीं आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी, फूल, धतूरा, गुलाल, अभीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो, गतो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, और मंदिर में जाकर भी जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओ ग तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो,
तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह पांच कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास पांच कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन पांच कनेर के फूलों को हमें पांच अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो पांच अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए पांच अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब पांच कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर, अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है या आपको समर्पित करना है? भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है, तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया, अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशक चंदी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की, तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की पांच बेटियों का स्थान होता है, जया विष हरा श्यामली बारी दौतली और देव, उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगू होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है वह पात्र उपस्थित ना हो तो भाप को क्या करना है कि शिव जी की पांच बेटियों का नाम लेकर जया विष हरा श्यामली बारी दौतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों
बात करते हैं आखिरी नंबर के पांचवें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस पांचवें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस पांचवें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस पांचवें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो पांचवें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए, फूल की है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग को ये पांचों फूल समर्पित कर दे देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना। दो तीन मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने पांचवें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई दो मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है, और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा